गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा मनाली में है डे टू और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत धूप खिली हुई है। ऐसी धूप आपको दिल्ली एनसीआर में तो कहीं देखने को मिलेगी नहीं। पहाड़ों की धूप का मज़ा ही अलग है, मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरी बालकोनी से कितना प्यारा व्यू है चारों तरफ पहाड़ों का, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है। आज हम यहाँ पर सोलांग वैली भी घूमने जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत माउंटेन, बर्फ से ढके हुए, बीच में हमारी कॉटेज, अलग ही मजा है। हमारी चाय भी आ गई है, बढ़िया धीरे धीरे करके आ रही है, पर आ रही है। मैं आपको अपनी बैक साइड की बालकोनी से व्यू दिखाता हूँ। सबसे बढ़िया इस कॉटेज की मुझे एक बात लगी इस रिजोर्ट की, कि चारों तरफ जो है ना एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं और बीच में ये रिजोर्ट बना हुआ है। क्योंकि स्नोफॉल यहाँ पर 10 दिन पहले हुआ है तो सारे पत्ते झड़ गए हैं। अब मनाली जैसी जगह पर जाएं और ऐसी खुली जगह पर ना रहें, बेकार है। माल रोड पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल कंजेस्टेड है, मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने अलग हट के कॉटेज ली थी रिजोर्ट के अंदर। तो कैसा लगा आपको ये व्यू हमारे रिजोर्ट से? बहुत ही खूबसूरत है। अगर कभी मौका मिले तो आप यहाँ पर ऐसी जगहों पर ही आकर रहें मनाली में, तभी मज़ा है। अब यहाँ से हम सोलांग वैली भी जाएंगे घूमने, फिर मैं आपको वहाँ के व्यूज़ भी दिखाता हूँ। मायरा बहुत उधम उतार रही है और हमारे यहाँ जो सबसे सीधा बच्चा है वो है, कौन है भाई वो, जल्दी बताओ कौन है वो सीधा बच्चा? ये देखो जो स्माइल दे रहा है, वो सीधा बच्चा है। तो चाचा अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा आपका यहाँ पर अभी तक का? तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे तो कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए ये उल्टी और चक्कर वाली चीजें, दवाइयाँ लेकर चलनी चाहिए। चाचा हमें क्या ये पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा? ये तो हो गया बस। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। चाची आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहोगी? सफर का तो बहुत बुरा रहा। बहुत बुरा ना? अच्छा लगा। अब नेक्स्ट डे अच्छा लगा है। और भाई मैडम अल्फिशा आप बताओ, तुम तो सुबह सुबह उठते ही पहाड़ों को देख के दीवाने से हो गई, बर्फ के पहाड़ देख के। बहुत बुरे के बाद थोड़ा सा पहाड़ देख के और खुशी हो गई। चलो बढ़िया, तुम्हारी थकान उतरी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, मायरा सही से सोने नहीं देती, रातों को पता नहीं कितनी बार चिल्लाती है बस। लेकिन फिर भी चलो थोड़ी बहुत नींद पूरी हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि 7-8 घंटे की अच्छी से नींद मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा बहुत छोटी है ना। चलिए दोस्तों पहले चाय वाय पी लेते हैं, फिर आगे की ट्रेवलिंग शुरू करेंगे आज। अच्छा वीडियो बना रहे हो, ये अब हम जा रहे हैं सोलांग वैली घूमने के लिए। चलिए चलो चलते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। हम आपका वेट कर रहे हैं और आप नीचे हो। मैं तो नीचे अल्फी, तो उस वाले कमरे रूम से सब सामान निकाल लिया ना? हाँ, जैकेट वैकेट मैं तो सब ले आई। चलो ठीक है, उस तो कुछ नहीं ना उस रूम में? नहीं है। ठीक है ठीक। माहिरा अपने डैड के साथ निकल चुकी है और इधर चाचा चाची आ रहे हैं। आज हमारे कैमरामैन चेंज है, कैमरा वुमन है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। हम लोग सोलांग वैली जा रहे हैं, वहाँ स्नो बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ से अब कुछ सूट लेने वाले हैं जो कि हमारे कपड़े गंदे ना करे। अगर आप लोगों का बर्फ में जाने का प्लान बन रहा है स्नो वैली
जो स्नो वैली है यहाँ पे सोलांग वैली, अगर वहाँ जाने का प्लान है तो आपके पास में बर्फ में चलने फिरने के लिए घूमने के लिए आपके पास पूरा सूट होना चाहिए और 250 रुपये में सूट मिल जाता है यहाँ पर। आप यहाँ से सूट ले सकते हैं तभी आप लोग जाएं वहाँ पर, वरना तो सारे कपड़े आपके ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ से सूट मिल जाते हैं। सब लोग बर्फ़ को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, सभी बच्चे निकल चुके हैं हम लोग। चलिए आपको दिखाते हैं बर्फ। ये देखिए कितनी शानदार वादियाँ हैं। बस बिना बात का जाम लगाया हुआ है हर जगह यार। यहाँ तो जाम मिल गया, मुझे लग रहा है कि सोलांग वैली पहुँचते पहुँचते हमें 1 घंटा लग जाएगा। रास्ता तो मुश्किल से मनाली से 17-18 किलोमीटर है, जिसमें 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। देखते हैं क्या होता है। ठंड बहुत ज़्यादा है, हम सोलांग वैली आ गए हैं, लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसे टाइम पे आने का मज़ा नहीं है कुछ भी। हमें आने में 2.5 घंटा लग गया मुश्किल से, यानी 16 किलोमीटर गाड़ी चली है और 2.5 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। तो अगर आपका आने का प्लान है ऐसी जगहों पर, तो सबसे बेस्ट टाइम है सुबह 7 बजे निकलो आप, और 1/2 घंटे में आप सोलांग वैली पहुँच जाओगे। अपना जो भी 3-4 घंटे लगाने लगाओ, और उसके बाद अपना निकल जाओ। सबसे बस बेस्ट तरीका यही है। चलिए घूम लेते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे आपको। भाई आ जाओ। बायरा बच्चो इधर देखो, इधर इश्नो छोटा सा इश्नो भाई। चश्मा लगा लेते मायरा, और रोशनी आ रही है थोड़ी सी आंखों पर। आहो आ तो रही नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ। बच्चे चश्मा पहन के थोड़ा अच्छा सा फोटो आएंगे हैं। ऐसे फोटो खींचूंगा कि सबको लगेगा बर्फ की चोटी पे। एक काम करो अल्पिशा, बर्फ चल। ये माहिरा और माहिरा की मम्मी ने तो उधम उतार दिया है, आज सुबह से खेल रहे हैं यहाँ पर। और ये गोला किस पे फेंका जा रहा है ये तो देख ले। ग्लास पहन लो देखो भाई। ये तो पत्थर जैसा गोला था, चाचा ने जानबूझ के मोटा बनाया। ये माहिरा वॉक करके आ गई। ये माहिरा बेटा गिर जाओगे, वहां मत जाओ आप। चलो चलो आओ। और ये माहिरा और उसकी डैडा। अरे वाह, झूला झूला के पर माता अभी झूला नहीं होगी रे माहिरा। मम्मी को दिखाओ भीड़, मम्मी को दो। अरे वाह, कितना बड़ा बर्फ का गोला। बाहर वहां पर रख दो लाओ यार। डेटा जी मारे ऐसे करते लो मारो। ये लो, और ये मनाली में सोलांग वैली पे बर्फ पड़ रही है। मायरा यहाँ पे एस्किमो की तरह देख रही है। ओ तेरी तो ये मिस कर दिया, दोबारा मारो। मैं मायरा को कवर कर रहा था, दोबारा मारो। मारो मारो मायरा को, मारो उठा के, मारो माहिरा के, मारो बरो। किसके मारोगे? पापा के। मारो चाचू के ही मार दो, मार दो। मारो मारो, ये तो बॉल बहुत देर चलेगी। मारो 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 मारो। लो आया। ओ,
ये मारो ओ ओ ओ ओ एंजॉयमेंट देख रहे हैं आप, ये देखो इस नोले ये ओ सही स्टाइल था। लो ऊपर नहीं, इधर देखो, इधर देखो चाचू ये हैदर मेरे तरफ मार रहा है बॉल उठा के इस नोगी। ये लो ये उधर से ये वाला ये चाचा अपने चाचा जो है चाचा के साथ खेलने के लिए कोई तैयार नहीं कि ठंड ज्यादा है इसलिए चाचा अपनी बॉलों से खुद ही खेल रहे हैं। भाई कोई मिल ही नहीं रहा खेलने वाला। यहाँ कल रात थोड़ी सी स्नो फॉल हुई है जिसकी वजह से इतनी बर्फ है, पहले बर्फ नहीं थी यहाँ पर। ओहो मारे मजे कर रही है अपनी मम्मी के साथ में है भाई मायरा। मायरा ये चाहते कि वीडियो बनाना वीडियो ऑन लेना। ये देखो करंट लग गया मुझे और क्या देखो कहाँ पहुंचा जा रहा उठा रही है भाई। और बॉल बनाओ माहिरा बोल रही है और बॉल्स बनाओ बढ़िया एकदम। नहीं आप सही लग रहे हैं, मेरा तो बहुत ही लंबा है। अच्छा एक हम दोनों का फोटो लो। भाई बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ में खेलते हुए हमें काफी टाइम हो गया, एक घंटे एक डेढ़ घंटा में यहीं पर हो गया है। तो अब हमारी प्लानिंग है थोड़ा चाय कॉफी वगैरह पी लें, थोड़ी मस्ती कर लें। और मस्ती क्या करनी है यार, बस चाय कॉफी पीनी है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पर। चाचा क्या बोलते हो? हाँ कॉफी पीते हैं, कॉफी वगैरह चाय वगैरह कुछ और कुछ मैगी वगैरह भी खा लेते हैं। चलो लोग यहाँ फुल मजे कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। और ये आराम से और मायरा का बिल्कुल भी मानन नहीं हो रहा है, ऐसे बस इसे गोले बनाने हैं गोले बनाने हैं। बेटा अब नहीं, अब ठंड हो रही है बेटा। दे मायरा के लिए फ्रेंड्स हाय बोल दो, हाय बोलो। बेटा कल खेलेंगे कल। मायरा को बर्फ से खेलने में लो हो लो। हेलो मायरा हाय बोलो, हाय बोलो हाय। आओ बर्फ से खेलें, आ जाओ। ये तो बर्फ बर्फ चाहिए इसको। ले लो ले लो ले लो ले लो छोटे यार पारा शो एकदम दो खा लो। तो अब बात क्या से दिल्ली दिल्ली से हम लोग ये मॉडल टाउन मॉलिश नगर से सर हम हवा में हम ये पुस्तक वाली। अरे वाह वो कल्याण विहार हाँ जो न्यू पुस्तक कॉलोनी है नाला पार करो तो मोटरसाइकिल स्टेशन उसके पास में हमारा है। वो मेरे चाचा हैं, हमारी शादी एक साथ आगे पीछे हुई पहले चाचा की सुनो। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, खाने का भी मज़ा आ गया अपना। सब लोग खाने के मूड में हैं अच्छे से, काफ़ी टाइम हो गया घूमते हुए। अब प्लानिंग हमारी यह है खा पी के बैठते हैं और चलते हैं रिजोर्ट, रिलैक्स करते हैं। सोलांग वैली घूमते घूमते शाम हो गई है और अंधेरा होने लगा है। अब हमारी प्लानिंग है कि यहाँ से हम लोग मनाली माल रोड जाएंगे, वहाँ अपना डिनर करेंगे, उसके बाद रिजोर्ट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।